आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा और ए टू जेड चीजों को डिटेल में बताऊंगा। इस कोर्स को सीख के आप अपनी ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई ब्रांड है और कोई प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम गय्यूर हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाएं ताकि हम अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकें, या जो लोग उससे जुड़े हैं और अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं ऑनलाइन, वो अपने प्रोडक्ट की किस तरह मार्केटिंग करें। तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उम्मीद करता हूं आप इसको सीखेंगे और अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देखें, आसान लफ्जों में वो मार्केटिंग जो इंटरनेट के थ्रू की जाए वो डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होगी। एग्जांपल के तौर पे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे, और इसके बाद हमारे पास आ गया ईमेल मार्केटिंग आ गया। आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ईमेल के थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आ गया गूगल एडसेंस, आप अपने प्रोडक्ट की एड गूगल के प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये डिजिटल मार्केटिंग में शुमार होती है। इसके दूसरी तरफ हमारे पास आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जैसे कि आप देखते हैं कि कंपनी वगैरह जो है अपने बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह कहीं बिलबोर्ड वगैरह पे लगा देती हैं, किसी बिल्डिंग वगैरह पे लगा देती हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लोगों को हायर करके डोर टू डोर अपने पंपलेट वगैरह क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कार्ड प्रिंटिंग करवाती हैं, या बहुत सी आपने गाड़ियों पे देखा होगा पीछे पैनाफ्लेक्स लगा हुआ होता है। तो ये सारी क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब बात करते हैं व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए, हम क्या करते हैं, इन दोनों मार्केटिंग के फॉर्मेट का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग पर आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। सबसे बड़ा फायदा इसमें आपका यह है कि आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम लगेगी और आपकी रीच जो है आपके कस्टमर तक ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा फायदा वो ये है कि आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे आप प्ले स्टेशन सेल कर रहे हैं, जब आप मार्केटिंग करेंगे इसकी तो आपके ऐड उन्हीं लोगों तक जाएंगे जो प्ले स्टेशन में इंटरेस्टेड हैं, एक्स्ट्रा लोगों तक नहीं जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, पैसा सेव होगा। और ये आप क्या कर सकते हैं, ये मार्केटिंग आप खुद भी कर सकते हैं सीखने के बाद, आपको किसी फर्म की या किसी कंपनी की जरूरत नहीं। इसके बाद हम आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसका पहले फॉर्मेट कंप्यूटर में रेडी करवाते हो, फिर वो पैनाफ्लेक्स पे प्रिंट निकलता है, सही है। इसके बाद फिर आप जहां उसको पेस्ट करेंगे उसका हो सकता है आपको रेंट देना पड़े, या वो फ्री की जगह हो तो आपको मैन पावर चाहिए जो सारी क्या है पेस्टिंग करेगी। फिर आपकी क्या है पैनाफ्लेक्स वगैरह आप घर जाकर ड्रॉप करोगे तो उसमें आपको क्या है मैन पावर चाहिए जो यकीनन सैलरी लेंगे, और बहुत से बिलबोर्ड ऐसे होते हैं बड़े बड़े जगह पे जो लगे होते हैं उसका आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है, आपके मार्केटिंग की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों का डिफरेंस आसान लफ्जों में समझ में आएगा। अगर आप अपने एक प्रोडक्ट की, एक मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि प्ले स्टेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने 500 रुपए का ऐड चलाया और वो 500 रुपए का ऐड 1000 लोगों तक जाना था, ठीक है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपने एड्स को रन करेंगे तो आपका वो जो प्ले स्टेशन है वो उन्हीं 1000 लोगों तक जाएगा जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मतलब प्ले स्टेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। 1000 में से 500 ने भी आपको रीच करा, मतलब मैसेज करा या कमेंट करा या जो भी करा आपको रीच करा, तो उसमें से चांसेस है कि मैक्सिमम लोग आपसे क्या करें, इस चीज को बाय कर लें। तो इससे आपकी क्या है, सेल्स बढ़ेगी। और डिजिटल मार्केटिंग में आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जब मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उस पर टारगेट लगा सकते हैं, मतलब आपकी ऑडियंस कहाँ की हो, मेल हो, फीमेल हो। आप एज को भी फिल्टर कर सकते हैं कि 25 से लेकर 30 तक के हमारे जो लोग हैं वो उन्हीं के पास सिर्फ ऐड चले। इसके अलावा आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, तो आपका क्या है, आपका ऐड फिल्टर होके उन्हीं लोगों तक जाएगा जिनको आप पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इसके आप दूसरी तरफ अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं तो आप एक क्या करते हैं, आप एक बैनर क्या है बनवाते हैं जो पहले ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, 6-7 हज़ार रुपये का उसकी कॉस्ट पड़ेगी, फिर आप उसको कहीं लगाते हैं, या वो फ्री की जगह हो सकती है या फिर वो रेंट की जगह हो सकती है। तो एक आपका कॉस्ट ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप खुद तो लगा नहीं सकते, या आप खुद भी लगा रहे हैं पैसे सेव कर रहे हैं, या किसी से लगवा रहे हैं तो आपने उसको भी पैसे पे करने हैं, और उस ऐड को जहाँ पे आपने ऐड लगाया वहाँ से 1000 लोग गुजरते हैं और 20 लोग जो हैं वो आपके ऐड में क्या है इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा जो 80% लोग हैं, 80 लोग हैं वो क्या है आपके ऐड में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह क्या हुआ, आपका जो है बजट बढ़ी, लेकिन क्या है आपका ऐड उन लोगों ने कम देखा जिन तक आप उनको पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कम से कम बजट में अपना ऐड जो है अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस समझ में आया होगा। आज की ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये इमेज आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।